आपका उज्जवल भारत समाचार में नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ खुशबू। आइए डालते हैं क्राइम से जुड़ी खबरों पर एक नजर। 24 लाख रुपए की कोकीन के साथ एक अफ्रीकन नागरिक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जी हाँ, एक अफ्रीकन नागरिक को गिरफ्तार कर उसके पास से 24 लाख रुपए की कोकीन ठाणे शहर पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट ने बरामद किया है। ठाणे क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार यह कॉफी चार्ल्स उर्फ किंग नामक आरोपी को ठाणे क्राइम ब्रांच यूनिट ने मुंबई के मुलुंड चेकनाका परिसर से गिरफ्तार किया है। इसके पास से करीब 24 लाख रुपए की कीमत का कोकीन पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस का दावा है कि यह वेस्ट अफ्रीका के रिपब्लिक ऑफ आयोरी कोस्ट का नागरिक है। इसके पास से रिपब्लिक ऑफ आयोरी कोस्ट का पासपोर्ट और वीजा भी पुलिस ने बरामद किया है। इस घटना के विषय में पुलिस ने उज्जवल भारत समाचार से बात की। थाना में बरामद किया गया है, कितना आरोपी अरेस्ट किए हैं और थाना में जो है पिछले कई दिनों से बहुत सारे अमले पदार्थ की जो क्वांटिटी के तौर पे मिले जा रहे हैं, पुलिस कार्रवाई कर रही है। क्या बताएंगे इसमें? क्राइम यूनिट 5 अगले ठाणे शहर, हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कल दिनांक 3 अगस्त के दिन शाम को 8 बजे के करीब ज्ञानेश्वर नगर वागले स्टेट में एक अफ्रीकन व्यक्ति कोकीन बेचने के लिए आने वाला है। इसकी जानकारी हम लोगों ने हमारे क्राइम ब्रांच के सीनियर ऑफिसर्स माननीय एडिशनल चीफ ऑफिसर श्री मोरारे सर, माननीय DCP सर श्री लक्ष्मीकांत पाटिल सर इनसे शेयर करी। इनके गाइडेंस में और उनके आदेश के मुताबिक हम लोगों ने वहाँ पे ट्रैप रखा, तो उसमें से एक आदमी, एक अफ्रीकन मूल का रहवासी हमको मिला, जिसका नाम है चार्ल्स कॉफी उर्फ किंग, ये साकिनाका में रहता है। ये मिला, इसके पास जब हम लोगों ने इसकी सर्च लिया तो उसमें 60 ग्राम कोकीन मिला और अधिक जानबीन करने पे पता चला कि उसके कोई अन्य अफ्रीकन साथीदार है, उनके थ्रू से ये उसने कोकीन लेके आया था और यहाँ पे थाना में किसी को बेचने के लिए वो आया था। जैसे इन्फॉर्मेशन मिली वो हिसाब से हम लोगों ने उसको ताबे में लेके उसके खिलाफ वागले स्टेट पुलिस स्टेशन में उसके अगेंस्ट में गुना रजिस्टर किया है। उसको माननीय न्यायालय के सामने पेश किया गया आज, तो उसको 9 अगस्त तक की पुलिस कस्टडी मिली है। अभी थाना में कुछ दिन पहले से लेके हमने ही कुछ दिन पहले नाइजीरियन से कुछ कोकेन बरामद किया था, फिर गांजा भी हम लोगों ने बरामद किया था। तो इस तरह से यहाँ पे अमली पदार्थ थाना में मिलने लगे हैं। ऐसे देखा जाए तो बॉम्बे एक बड़ा शहर है, मुंबई एक बड़ा शहर है, उसको लगत में थाना शहर है, तो कुछ चीज़ें हैं कि बॉम्बे से थाना तक पहुँच रही है, तो ये अमली पदार्थ भी जो है उसका जो ट्रेड है वो बॉम्बे से यहाँ पहुँच रहा है ऐसा लग रहा है। तो हम लोग उसके खिलाफ, हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं माननीय CP सर श्री जयजीत सिंह सर और उनके मार्गदर्शन में हम लोग उनके खिलाफ कड़क कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोगों ने जो रिपब्लिक ऑफ आयरी कोस्ट का जो रहवासी है मूल, जिसका नाम है कॉफी चार्ल्स अलाइज किंग, इसके पास से 60 ग्राम जिसकी इंटरनेशनल कीमत है 24 लाख कोकेन जो अमली पदार्थ है वो हम लोगों ने उसके पास से बरामद किया है। के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए आप हमारे उज्जवल भारत समाचार को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सुझाव हमारे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में साझा जरूर करें। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज्जवल भारत समाचार, खबर वही जो है सही।